अरे भैया ये क्या आ गया, ये तो एकदम खाई की तरह है। अरे भैया संभाल के। अरे मुन्ना तू टेंशन मत ले। अरे भैया ये आपने क्या किया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्टिक जोन। हम लोग वापस आ गए GTA 5 का एक और शानदार गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसको देखकर आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि हर बार आप लोग खाली मुझे और सिंचन को ही देखते थे, लेकिन आज हमारे साथ दो शख्स और जुड़े हैं जिनका नाम है जैक और डॉगी। अरे जैक भैया इसको बोलो ना कि मेरा नाम डॉगी नहीं, मेरा नाम ओगी है। ओए मुन्ना रोते नहीं, तेरा भाई जिंदा है ना, मैं इसको अभी बताता हूँ। ये तेरा नाम गलत कैसे ले रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फौजी हूँ फौजी। अरे अरे सॉरी गाइस, गलती से मिस्टेक हो गई, इनका नाम डॉगी नहीं, इनका नाम तो ऑगी है। तो जोर से तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तो गाइज आज हम फिर से करने वाले हैं शानदार रैम चैलेंज। इसमें दो टीम रहेगी, एक टीम रहेगी मेरी और सिंचन की और दूसरी टीम रहेगी जैक और ओगी की। क्यों जैक भाई आप समझ गए ना। अरे हाँ हाँ, जो कुछ भी तूने बोला ना वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या कहा नहीं समझ में आया, अरे इतनी अच्छी तरीके से तो समझाया मैंने। हाँ तो क्या हो गया, एक और बार समझा देना, वरना मेरा 2.5 किलो का हाथ तुझे समझाएगा। ए भैया गुस्सा नहीं प्लीज। तो ठीक है जैक, मैं तुम्हें वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और ध्यान से सुनूंगा ही ना, क्या तूने मुझे बहरा समझ के रखा है क्या। अरे फ्रेंकी भैया ये तो हरी शिमला मिर्च जैसा दिख रहा है। और अगर मैं हरी शिमला मिर्च जैसा दिख रहा हूँ तो तू लाल टमाटर है, लाल टमाटर समझा क्या चिरकोट। ए प्लीज तुम लोग भैया को गुस्सा मत दिलाओ ना प्लीज। अरे तुम लोग चुप रहो ना, कितना बोलते हो तुम लोग। अरे मुझे क्यों बोल रहा है, इसको बोलना, ये कब से बोले जा रहा है, ये एक फौजी के साथ पंगा ले रहा है, इसको बता दे फौजी की पावर क्या होती है। मैं इतना भी खास नहीं हूँ, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। और मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, समझा ना, मुझसे पंगा मत ले वरना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अरे कितना महंगा पड़ेगा, 2 रुपए किलो या 4 रुपए किलो बताओ ना। और तू चुप करेगा कि नहीं, लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आगे इसको समझा दे वरना इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ए प्लीज तुम भैया को परेशान मत करो। और देख छोटे बच्चे, तू भी बच्चा है ना तो बच्चा रहे, मेरे सामने भी तू चिरकोट है चिरकोट, मुझसे पंगा मत ले वरना तुझे भारी पड़ जाएगा, समझा क्या। ठीक है मैं आलू की पराठी बाद में खा लूंगा। क्या कहा, आलू के पराठे, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। अरे चुप कर, मैं क्या बोल रहा हूँ तू क्या बोल रहा है। ओए ओगी इसको समझाना। अरे सिंचन तुम भैया को परेशान मत करो वरना ये तुम्हें बहुत ही मारेंगे, क्योंकि ये फौजी में रह चुके हैं। सिंचन प्लीज इन्हें परेशान मत करो। अरे यार तुम लोग बस करो, तुम लोग की बातें सुन सुन के तो मेरे कान पकने लगे। और जैक भाई तुम ध्यान से सुनो, आज हम करने वाले रैम चैलेंज, और इस रैम चैलेंज में रहेगी दो टीम, एक मेरी सिंचन की और एक तुम्हारी और ओगी की। सुना जैक भाई। ओए हाँ सुन रहा हूँ, आगे बोल। हाँ तो ठीक है, जैसे ही रैम चैलेंज स्टार्ट होगा दोनों टीम यहाँ से निकलेगी और पूरा रैम कंप्लीट करके जो टीम सबसे पहले आएगी वही होगी आज की विनर। तो ऐसा है क्या, फिर तो मैं और ओगी जीतेंगे, क्योंकि तुम दोनों तो मेरे सामने चिरकुट और चिरकुट। ओहो क्या कहा, बिस्कुट। अरे शरारती बच्चे, बिस्कुट नहीं चिरकुट चिरकुट। ओहो ऐसा है। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग करते हैं हमारा रैम चैलेंज स्टार्ट और देखते हैं आज का विनर कौन होता है। तो चलो सिंचन हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी में और अपन लोग इस रैम चैलेंज को जीत के दिखाते हैं, इन लोग को बता देते हैं कि हम लोग किस खेत की मूली है। ओहो फ्रैंकलिन भैया वो तो मुझे भी नहीं पता कि हम कौन से खेत की मूली है। अरे मुन्ना सुना क्या तूने, इन लोगों को ही नहीं पता कि कौन से खेत की मूली है। और चले थे हमसे पंगा लेने। अरे सिंचन यार तू हमेशा मेरी नाक क्यों कटाते रहता है। ओहो पर फ्रैंकलिन भैया बात तो मूली की हुई तो नाक कहाँ से बीच में आ गया। अरे सिंचन यार तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं भी कहाँ भैंस का के बिन बजा रहा हूँ। ओहो अरे फ्रैंकलिन भैया आपने तो बहुत ही बढ़िया जंप ली, हम लोग तो डायरेक्ट इसी पर लैंड हो गए। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया मजा ही आ गया, चलो फटाफट चलो हमें ये रेम जीतनी है। हाँ सिंचन टेंशन मतलब ये चैलेंज तो हम लोग ही जीतेंगे। ओहो अरे फ्रैंकलिन भैया गोल गोल घूम के तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओहो अरे फ्रैंकलिन भैया देख के। और मुन्ना वो लोग तो चले गए, चल फटाफट हम लोग भी चलते हैं, यह चैलेंज कैसे भी करके हम दोनों को ही जीतना है। हाँ भैया ये चैलेंज तो कैसे भी करके हम लोग ही जीतेंगे। हाँ तो चल ठीक है, फटाफट मेरी गाड़ी में आके बैठ जा, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी ड्राइविंग कैसी है और मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ और इस चैलेंज को जीत के दिखाता हूँ। आ जा मुन्ना आ जा। हाँ भैया मैं आ रहा हूँ। और मुन्ना यह चैलेंज तो कैसे भी करके हमें ही जीतना है, हमें उस लाल टमाटर को दिखाना ही होगा कि हम लोग कौन है।
और हम लोग कहाँ से आए हैं। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग ये चैलेंज जीत के ही दिखाएंगे। और मुन्ना तू देख रहा है ना मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ, तू देख तुझे भी आगे जाके बहुत काम आने वाला है। हाँ भैया मैं देख रहा हूँ। मैं निकला गाड़ी लेके बीच सड़क पे। अरे भैया ये तो सड़क ही गायब हो गई। अच्छा तुम लोग भी यहाँ तक पहुँच ही गए, लेकिन ऐसा मत सोचना बच्चू कि तुम लोग जीतोगे तो मैं और सिंचाई नहीं। चल सिंचाई हम लोग फटाफट निकलते वापस। हाँ फ्रिंकल भैया चलो चलो फटाफट यहाँ से जाते हैं, हमें जीतना है और इन दोनों को हराना है। बाय बाय जैक, जीतेंगे तो हम लोग ही। और तुम लोग नहीं, मैं जीतूंगा मैं। सिंचाई अभी हम दोनों को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा तभी हम ये चैलेंज जीत पाएंगे। हाँ फ्रिंकल भैया आपने बिल्कुल सही कहा, हमें चैलेंज कैसे भी करके जीतना होगा। अरे सिंचाई ये रैम देगी, रैम कितनी बड़ी है, क्या लगता है तुझे हम लोग ये रैंप पूरी कर पाएंगे? फ्रिंकल भैया जीतेंगे तो हम लोग ही, चाहे कैसी भी रैंप आ जाए और कितनी भी बड़ी रैंप आ जाए, कैसी भी आ जाए, जीतने वाले तो हम ही हैं। हाँ सिंचन तूने एकदम सही कहा, जीतेंगे तो हम लोग ही, और जैक और ओगी को दिखा देंगे कि उनका पाला किससे पड़ा है। ओए मुन्ना अभी हम लोगों को भी निकलना पड़ेगा, वो लोग तो काफी आगे निकल गए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चैलेंज हम लोग हार जाएंगे। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही कहा, चलो फटाफट चलते हैं और ये चैलेंज हम लोग जीतते हैं। और मुन्ना सीट बेल्ट लगा लेना क्योंकि अभी गाड़ी है ना हवा से बातें करेगी, हवा से। अब तू मेरी ड्राइविंग देख, अब दोनों को मैं कैसे पीछे करता हूँ। अरे भैया ये क्या आ गया, ये तो एकदम खाई की तरह है, अरे भैया संभाल के। अरे मुन्ना तू टेंशन मत ले। अरे भैया ये आपने क्या किया। ए भैया इस बार गाड़ी आप संभाल के चलाना, कहीं हम वापस ना गिर जाए। भैया संभाल के। अरे मुन्ना इस बार तू फिकर मत कर, वो तो पहले गलती से हो गया था, इस बार देख मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ, ये देख इस बार तो हम लोग इसको खत्म ही कर देंगे। अरे अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो। अरे मुन्ना तू टेंशन मत ले, हम लोग सही जगह पे पहुँचेंगे, ये देखा पहुँच गए ना हम लोग नीचे, हम लोग एकदम सेफली लैंड हो गए। ये ट्रेनिंग मुझे फौज में मिली थी, मैं ऐसा वैसा फौजी थोड़ी हूँ, मैं एकदम हाई क्लास वाला फौजी हूँ। हाँ भैया वो तो मुझे पता है आप कितने हाई क्लास वाले हो। अरे मुन्ना ये हम कहाँ आ गए, ये तो मुझे कोई गटर का पाइप लगता है, पर ये गटर का पाइप इतना रंगीन और साफ सुथरा कैसे है। ए भैया मुझे नहीं पता ये इतना साफ सुथरा कैसे है। अरे मुन्ना ये देख शायद से यही वो रास्ता है जहाँ से हम ये चैलेंज को पूरा करने वाले हैं। हाँ भैया ऐसा हो तो मजा ही आ जाएगा। अरे मुन्ना ये देख ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। अरे वाह मुन्ना ये तो मजा ही आ गया, ये होती है असली जिंदगी। हे भैया इधर देख के इधर मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इधर से भी गिर जाएंगे। हाँ भैया देख के। अरे मुन्ना फिकर नहीं। अरे मुन्ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग रास्ता भटक गए, हमें जाना किधर है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लगता है कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया था। अरे सिंचन तू कितने सुसु करेगा, जल्दी चल वरना हम लोग ये चैलेंज हार जाएंगे। फ्रिंकल भैया आ रहा हूँ। अरे फ्रिंकल भैया वो हुआ क्या कि मैंने कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया था ना, तो प्रेशर आ गया था, आप तो समझते हो ना। अरे सिंचन ये तेरे प्रेशर को छोड़, और ये देख लगता है हम लोग ये चैलेंज पूरा करने ही वाले हैं, बस थोड़ा ही बाकी है। अरे फ्रिंकल भैया ये टनल तो कितना लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे वाह सिंचन लगता है तेरी काली जुबान है, जैसे तूने बोला वैसे टनल खत्म हो गया। शुक्रिया फ्रिंकल भैया, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। अरे फ्रिंकल भैया इधर से संभल के ली ना, कहीं मैं उल्टा गिर ना जाऊँ। अरे सिंचन टेंशन मत ले, तुझे तो मेरी ड्राइविंग पता है ना, एकदम रापचिक है रापचिक। हाँ फ्रिंकल भैया मुझे पता है आप बहुत बड़े हैवी ड्राइवर हो और आप मौज कर देते हो। हैवी ड्राइवर हो? अरे सिंचन तू बोल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और मौज कर देते हो मतलब? अरे फ्रिंकल भैया जैसे आपने अभी लैंड किया ना उसको मौज करना ही बोलते हैं। हैं? मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं, क्या पता सिंचन तू ये सब बातें कहाँ कहाँ से लेके आ जाता है। फ्रिंकल भैया आपने तो नहीं सुना लेकिन हमारे व्यूअर्स ने तो सुना है ना। अरे दोस्तों अगर आपने ये सुना है तो कमेंट में जाके मौज कर दी लिख दो। अरे सिंचन ये देख अब हम लोग बहुत ही भयानक जगह पे आ गए, इसको पार करना तो भाई बहुत ही मुश्किल है। अरे फ्रिंकल भैया आपने तो बहुत ही आसानी से पार कर दिया। अरे हाँ सिंचन ये तो बहुत ही आसानी से पार हो गया, मुझे लगा नहीं था ये इतनी आसानी से पार हो जाएगा। अरे सिंचन मुझे लगता है हम लोग अपनी जीत के बहुत ही करीब है, अब ये पार करके हम लोग लगता है जीत ही जाएंगे। अरे फ्रिंकल भैया फिर तो मजा ही आ जाएगा ना। अरे सिंचन बहुत मजा आएगा, और जैक को
को तो मैं इतना चिढ़ाऊंगा ना, वो बहुत उड़ रहा था, फौजी फौजी कर रहा था ना, तो देख अब कौन फौजी है हम उसको बताएंगे। हाँ फ्रिंकल भैया आपने बिल्कुल सही कहा। अरे फ्रिंकल भैया फटाफट भगाओ, ये तो एकदम खत्म ही होने वाला है। फ्रिंकल भैया जल्दी। अरे हाँ हाँ सिंचन भगा रहा हूँ। अरे सिंचन ये देख हम लोग आखिरकार पहुँच गए। ये हुई ना बात, आखिरकार सिंचन हम लोग जीत ही गए। देखा कैसे हम दोनों उन दोनों को हरा दिया। हाँ फ्रिंकल भैया, लेकिन फ्रिंकल भैया वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं, वो लोग कहाँ रह गए? अरे सिंचन कहीं गिर गए होंगे। ये रैम चैलेंज करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, ये तो एकदम होशियार लोगों का है, एकदम मेरी तरह। अरे मुन्ना हम लोगों को फटाफट निकलना पड़ेगा, कहीं हम लोग ये चैलेंज हार ना जाए। भैया आपने बिल्कुल सही कहा, हमें फटाफट निकलना पड़ेगा। तो ठीक है मुन्ना, चल फटाफट इधर से निकलते हैं और ये चैलेंज जीतते हैं। अरे मुन्ना तू एकदम बराबर बैठ तो गया ना, संभाल के बैठना क्योंकि अभी मैं बहुत फास्ट गाड़ी चलाने वाला हूँ, क्योंकि हमें ये रैम चैलेंज जीतना है कैसे भी करके। तू एकदम कस के बैठ जा। ए भैया मैं एकदम अच्छे से ही बैठा हूँ, आप बस गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। अरे भैया ये किधर लेके आ गए भैया? ओए मुन्ना डर मत, आप लोग सही जगह पे जा रहे हैं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं एक फौजी हूँ और हम ये चैलेंज जीत के ही रहेंगे कैसे भी करके, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अरे भैया तो आप खुद की जान दो ना, आप मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? अरे मुन्ना ऐसी बातें नहीं करते, अभी तू डरा हुआ है ना इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। एक बार जीतते तो दे हम लोग को, फिर देख मैं तुझे कैसे लस्सी पिलाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, चिकन खिलाता हूँ। ए भैया क्या आप सच बोल रहे हो? अरे हाँ मैं एकदम ही सच बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो एक फौजी हूँ, फौजी कभी झूठ ही नहीं बोलता, और मुझे मेरी ट्रेनिंग पे सिखाया नहीं गया कि मुझे कुछ झूठ बोलना चाहिए, मुझे झूठ बोलना तो आता ही नहीं है। अरे भैया संभल के कहीं हमें चोट ना लग जाए। अरे मुन्ना टेंशन मत ले। अरे मुन्ना ये देख लगता है हम लोग आ गए, हम लोग जीतने वाले हैं मुन्ना। अरे मुन्ना अब तो जश्न होगा जश्न, वो दोनों तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अब तो हम ही जीतेंगे। अरे मुन्ना ये क्या हो गया, ये दोनों तो सामने ही खड़े थे, अरे ये दोनों जीत कैसे गए? अरे मुन्ना मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है, मैं इनके सामने कैसे जा रहा है, ये तोहफा था, तुम लोग जीते कैसे? हाँ जीते कैसे तुम लोग? अरे मुन्ना ये चैलेंज तो हम हार गए, पर मुन्ना तू रोना मत, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ में है, अगली चैलेंज आप लोग दोनों जरूर जीतेंगे। ए भैया रो मैं नहीं रहा हूँ, रो आप रहे हो। हाँ, भैया अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो मेरे खुशी के आंसू है, मेरा छोटा भाई फ्रैंकलिन जीत गया है ना, ये तो मेरा छोटा भाई है, इसकी जीत की खुशी में मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों फ्रैंकलिन कैसा है? क्या कहा छोटा भाई? हाँ भाई अब तो तू मुझे छोटा भाई बोलेगा ना, मैं जीत जो गया हूँ। अरे इसे तो पता चल गया, मजा ही आ गया। जैक भैया हम लोग तो आपसे जीत गए रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया, अगला चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा ना। अरे फ्रैंकलिन अगला चैलेंज कब रखना है बोल, फटाफट बोल, मुझे कैसे भी करके तुम दोनों से जीतना है। अरे जैक भाई बहुत ही जल्द होगा अगला चैलेंज, आज के लिए तो बस इतना काफी था। चलो सिंचन अब हम लोग घर चलते हैं। अरे सिंचन रुको मैं अपने व्यूअर्स को बाय तो कह दूं। अरे तो चुप रहे आज मैं बोलूंगा। अरे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। अरे फ्रिंकल भैया ये बोल रहा है या धमकी दे रहा है? अरे सिंचन ये चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। और तुम दोनों को ज्यादा नहीं बोल रहे क्या? मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरह से बातें करता हूँ, समझे क्या? दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।